विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हर किसी की जुबा पर बस एक ही सवाल है कि यूपी का अगला सीएम कौन होगा। क्या बीजेपी किसी पुराने चेहरे पर दाव खेलेगी या फिर किसी नए नाम को सामने लाकर सबको चौंकाने की तैयारी है। इन्हीं अटकलबाजियों के बीच अब कुछ नए नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। यूपी में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब सबकी जुबा पर राज्य का अगला सीएम कौन होगा, इसी पर चर्चा चल रही है। सीएम की रेस में कई नाम सामने उभर कर आए। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के नाम है। लेकिन इन सब में आपको चौंकाने वाले नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनमें सुरेश खन्ना और सतीश महाना के नाम शामिल हैं। 8 बार से विधायक सुरेश खन्ना सीएम पद के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। शाहजहांपुर से विधायक बने सुरेश खन्ना की ईमानदार और बेदाग नेता के रूप में छवि है। खन्ना पिछली विधानसभा में बीजेपी विधानमंडल दल के नेता भी थे। कब तक सर यूपी को नया सीएम मिल जाएगा, क्या आपको लग रहा है आलाकमान कि आप भी संपर्क में होंगे, क्योंकि एक बिल्कुल एक कौतूहल का विषय बना हुआ कि कौन सीएम आएगा, कई लोगों के नाम भी चल रहे हैं उसमें, आप देख रहे हैं मीडिया में, आप भी देख रहे होंगे। देखिए, ये पूरी तरीके से केंद्रीय संसदीय बोर्ड का क्षेत्राधिकार है, उन्हीं का विशेषाधिकार है कि वो इस विषय पर उचित समय पर उचित निर्णय लें। इसमें किसी का कोई दखलंदाजी नहीं। तो जब उनका क्षेत्राधिकार है, हमें अपने पार्टी नेतृत्व पर पूरा तरीके से भरोसा है, वो उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे और जो निर्णय लेंगे हम उसका अक्षरशः पालन भी करेंगे, जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वाह करेंगे। उधर कानपुर की महाराजपुर सीट से चुने गए विधायक सतीश महाना का नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल है। 56 साल के सतीश महाना संघ के दिनों से मोदी के साथ ही रहे। महाना को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भी करीबी बताया जाता है। इस बार सतीश महाना 6ठी बार विधानसभा के लिए चुने गए। चुनाव में महाना को रिकॉर्ड 56% वोट मिले। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को अचानक विशेष विमान से महाना को दिल्ली बुलाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी भेंट कराई गई। उधर सियासी गलियारों में चल रही अटकलबाजियों के बीच बीजेपी नेता वेट एंड वॉच की बात कर रहे हैं। यूपी का मुख्यमंत्री सर, सर आपका नाम चल रहा है, चल रहा है यूपी मुख्यमंत्री के लिए, क्या आप तैयार हैं, जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं? हमारी सरकार बन रही है और हमारी सरकार एक व्यक्ति मुख्यमंत्री तय नहीं कर रहा है, पार्टी बैठकर तय करेगी। जो मुख्यमंत्री बनेगा वो पार्टी का तय करेगा। आपको तय करेगी अगर आपको ये पार्लियामेंट्री बोर्ड आपके नाम को तय करता है तो क्या तैयार है? और पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या तय करता है और हमारे ऑब्जर्वर क्या कंसेंसस लेकर आते हैं, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है और उसके पहले कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा। उस जिम्मेदारी लेकर अपने आप को आप मानते हैं? मैंने आपको बताया ना कि पर्यवेक्षक क्या निर्णय लेके आते हैं, क्या रिपोर्ट देते हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या तय करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। एक और जहां सीएम पद के दावेदारों को लेकर अटकलबाजियां तेज हैं, तो वहीं अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक की तारीख तय नहीं है। उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं है, लिहाजा 16 तारीख को नए विधायकों की होने वाली बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। ये बैठक अब कब होगी अभी फिलहाल ये तय नहीं है, लेकिन 16 तारीख को इसके होने की संभावना बहुत कम है। खबर यह है कि अमित शाह इससे पहले कोयम्बटूर में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा में जाएंगे और वहां मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे जो संघ के प्रमुख हैं, और उस मुलाकात में तमाम प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा होगी। बहरहाल तमाम कयासबाजियों के बीच चर्चा है कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह किसी नए नाम को आगे कर सबको चौंका सकते हैं। अब देखना यह है कि यूपी की कुर्सी पर कौन बैठता है। दिल्ली से अनुराग चड्ढा और लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।